आज हम दिखाएंगे आपको इंडिया गेट और कनॉट प्लेस, संसद भवन, पार्लियामेंट, ऐसी जगह दिल्ली की। और ये कुछ तस्वीरें हैं उनकी, जो कि आप आगे वीडियोस में देखेंगे लाइव। ये तो कुछ ऐसे ही तस्वीर हमने क्लिक किया था कैमरे से, ये आपको दिखा रहे हैं प्रेजेंटेशन के लिए। और ये आपको बताते चलें कि ये पिक्चर्स किसी गार्डन की नहीं है, बल्कि रोड की जो किनारे होते हैं, साइड्स होते हैं, ये उन साइडों पर लगे हुए फूलों के हैं। और ये काफ़ी सुंदर है देखने में भी और है भी एक्चुअल में। तो यहाँ से भी लाइव स्टार्ट है। ये जो जगह आपको दिख रही है कोई गार्डन नहीं है, ये बस एक गोल चक्कर है जो कि फूलों से नीचे की तरह बनाया हुआ है। ये डिजिटल डिवाइस और ये है हमारा कनॉट प्लेस। ये भी डिजिटल एडवर्टाइजमेंट के लिए डिवाइस लगी हुई है, जो स्क्रीन्स होते हैं आपने देखा होगा रोड वगैरह पे लगे होते हैं, इसमें एडवर्टाइजमेंट चल रही है। और ये है हमारा कनॉट प्लेस। यहाँ पे शॉपिंग मॉल्स हैं काफ़ी सारे, ये बैंक का सीन है। और ये कैमरा जो दिख रहा है आपको, ये पार्किंग के लिए है स्पेशली, एंड पूरा सिटी कैमरे से लैस। यहाँ की सिक्योरिटी बहुत अच्छी है और बहुत कुछ यहाँ पे, ये हमारा दिख रहा है नेशनल फ्लैग, काफ़ी बड़ा है, शायद हमारे इंडिया में सबसे बड़ा फ्लैग है। और आगे देखें, मेरे पास एक हैंडी कैम है, ये हैंडी कैम से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। बहुत महंगा तो नहीं है पर काफ़ी अच्छा है। आगे आप देख रहे हैं पालिका बाज़ार। पालिका बाज़ार में काफ़ी सारे शॉपिंग की जगह हैं, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। ये सेंट्रल पार्क है, ये कपल्स के लिए काफ़ी अच्छी जगह है। और ये आपको जो दिख रहा है सामने पिलर जैसा कैमरा था, ये है ललित होटल। ये भी टॉप फिल्म्स में से ही है। और ये है सोलर ट्री। सोलर ट्री क्या होता है, दिन में चार्ज हो जाता है और रात में इसमें लाइटें जलती हैं, बहुत अच्छा लगता है। ये एल ई डी स्क्रीन है जिसका एड चेंज हो चुका है, नेटफ्लिक्स का एड आ रहा है। इस तरह से एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे होती रहती है, ये कूड़ा नहीं फैलाती है, बहुत अच्छी बात हमारे इंडिया के लिए। यहाँ पर आपको घूमते हुए ऐसा लगेगा नहीं कि आप इंडिया में, ऐसा मैंने एक्सपीरियंस किया है, शायद पहली बार मैं आया था यहाँ पर इसलिए मुझे ऐसा लगा, या फिर वाकई है ये जगह ऐसी। यहाँ की बिल्डिंगें हैं और यहाँ बहुत अच्छी, मतलब साफ सुथरी जगह है ये। पार्किंग यहाँ पे बनी हुई जो गाड़ियाँ दिख रही हैं, ऑर्डिनरी नहीं खड़ी हैं, ये पार्किंग बनी हुई है यहाँ पे गाड़ियों के लिए। तो ये बिल्डिंग है, इसका मुझे नहीं पता ये किस चीज़ की बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग है वो सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज एम्पोरियम, उनकी बिल्डिंग है। आज यहाँ पे हॉलीडे है बिकॉज आज संडे है, संडे का हॉलीडे होता ही है यूजली यहाँ पे। तो इसके साथ हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं इंडिया गेट की तरफ। ये मागा है जनपद, ये मेट्रो स्टेशन है सामने। देखने में खाली खाली से लग रहा है, बट आपको बता दें कि मेट्रो एक बहुत अच्छी चीज़ है, उन्होंने बनाया है पब्लिक के लिए, बहुत ही कन्वीनियंट। एक तो या तो इन्होंने ग्राउंड के अंदर बनाया है या तो ग्राउंड के ऊपर बनाया है, ग्राउंड पर नहीं बनाया है इन्होंने कुछ। बहुत छोटी जगह यूज़ करते हैं, कम जगह, और बहुत बढ़िया है। ये भी जो पौधे आपको दिख रहे हैं सामने, ये पौधे जो हैं ये रोड पर से ही हमने क्लिक किया है, किसी गार्डन की नहीं है। अभी हम यहाँ पहुँच चुके हैं इंडिया गेट के बाहर, आउटर सर्कल बोल सकते हैं इसको हम। और यहाँ पे जो गार्डन जैसा आपको दिख रहा है, ये गार्डन ही है, छोटा सा और गार्डन इस टाइप का है कि इसमें कोई जगह नहीं लगी हुई फालतू। ये किनारे किनारे सड़क के बीच की जो हमारे सर्कल होता है बचा हुआ जगह,
उस जगह में उन्हें पार्क सा बना दिया है, यहाँ पे आप आके आराम से रह सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं। ये आपको दिख रहा सामने गार्डन, और ये है हमारा इंडिकेट का आउटर सर्कल। यहाँ पे आप देख सकते हैं गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं, रुक नहीं रही हैं। बट आपको बता दूँ कि यहाँ पे गाड़ियाँ रुकती हैं कुछ सेकंड्स के लिए रुकती हैं, और पब्लिक के क्रॉस होने के लिए भी एक यहाँ पर सिग्नल बना हुआ है। तो सिग्नल होने के बाद पब्लिक रोड के ऊपर चल सकता है पैदल, उसके पहले नहीं चल सकता वो, और वो भी हुआ नहीं तब तक खड़े हैं। और भी ये हमारे हिंडे गेट पे आपको हिंडे गेट दिखाते हैं, ये है आपका इसको देखने यहाँ पे आए हुए हैं। और आज के रीजन से यहाँ पे अंदर जाना अलाउड नहीं है, किसी रीजन से रुका हुआ है, पब्लिक व्यूज नहीं हो रहे हैं वहाँ पे, पब्लिक नहीं जा सकती। पर मेरे पास एक हैंडी कैम जो है काफ़ी जूनी पावर उसकी अच्छी है, इसे मैं आपको दिखा सकता हूँ दूर से जूम करके। मैं करीब 250 मीटर के दूरी पर हूँगा शायद आप आए थे, और यहाँ से आपको ये दिख रहा है क्लियर। और ये जो आपको कमांडो सामने दिख रहा है, इसके पीछे हमारा नेशनल वॉर मेमोरियल है, युद्ध शहीद स्मारक है। ये जो दिख रहा है आपको अशोक चक्र लगा हुआ है, ये अभी बनाया गया है रिसेंटली, आपको इसके बारे में पता होगा। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको मैं ही सजेस्ट करूँगा कि आप गूगल पे सर्च कर लें, टाइम वेस्ट ना करें ज़्यादा अपना। और ये आपका इंडिया गेट का पूरा परिसर है, यहाँ पे माहौल यहाँ पर आता और बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है, बगीचे बगीचे पेड़ ही। और ये अमर जवान जिस पर लिखा हुआ है, ये अमर जवान है, यहाँ पे नौजवान गश्त करते रहते हैं लोग। और ये ज्योति आपको जलती हुई दिख रही है, ये हर वक्त जलता है, 24 घंटे जलता है और 7 दिन जलता है, अभी बंद नहीं होता है। इसे अमर ज्योति के नाम से भी जानते हैं, जिसको कभी नहीं बनती। और ये है स्मारक नेशनल वॉर मेमोरियल, इसके पीछे जो आपको हिस्सा दिख रहा है, ये भी हमारा इंडिया गेट का ही हिस्सा है। और आगे भी जाना आपको है नहीं, इस पर मैं नहीं पा रहा हूँ। और ये वीडियो जो शेक हो रही है, इस शेक होने का जो मेन रीज़न है ये है कि डिस्टेंस मेरी वहाँ से बहुत दूर है, काफ़ी है, और मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है, मैं हाथ में कैमरा ले रखा है, मैंने पकड़ रखा है, तो वाइब्रेशन तो होती ही है, जब तो आना ही आना है, प्लस इतना ज़्यादा जूम करने से जूम तो आता ही है। यही हमारे इंडिया गेट है परिसर। ये जो पानी भरा हुआ आपको दिख रहा है, आपको बता दें कि यहाँ बारिश नहीं हुई कोई भी, ये पानी भरा गया है। यहाँ घास पहले कुछ ख़राब हो गई थी, घास को उन्होंने हटा दिया है, नई घास लगाया है, यहाँ पानी भरा है। अब ये जो है पूरी घास हरी हो जाएगी, बहुत सुंदर लगता है, पार्क बहुत अच्छे हो जाते हैं। यहाँ लाखों की तादाद में लोग आते हैं, यहाँ पे विजिट करते हैं, इंडिया गेट को देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, बहुत अच्छी जगह लगता है ये। ये जो सामने आपको दिख रहा है अभी, ये है जी न्यूज़ का सेट लगा हुआ है, कोई यहाँ पे मंत्री आने वाला है शायद, ये भी हमारा सीन चल रहा है इस टाइम पे। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पे लाइव यूज होंगे, और चैनल पे आप देख सकते हैं, यूट्यूब पर भी देख सकते हैं इनके। मेरे चैनल पे यूट्यूब लाइव नहीं आएगा अभी, क्योंकि अब मेरे पास टाइम कम है, इनका लाइव दिखा नहीं पाऊँगा आपको, मुझे और भी चीज़ें करनी है आगे। और ये आपका संसद भवन, ये आप आ गए हैं पार्लियामेंट साइड में। ये हिस्सा जो आपको दिख रहा है, ये राष्ट्रपति भवन के किनारे का हिस्सा है, ये राष्ट्रपति भवन के गार्डन मतलब बैक साइड का हिस्सा है। इसी के ये हमारे इंडिकेट, यहाँ से आप देख सकते हैं सीधा कितना डिस्टेंस है जहाँ पर ज़्यादा। ये जो आपका हिस्सा भी जूम किया है, इसके बैक साइड पे कि आप नॉर्थ एवेन्यू से आप एंट्री करेंगे तो आपको राष्ट्रपति भवन के अंदर जो मुगल गार्डन है वो आपको आएगा मिलेगा, बट वहाँ की एंट्री लिमिटेड होती है और उस एक स्पेशल टाइम के लिए ओपन होती है,
और उसी टाइम में ही पब्लिक यूज होते हैं, अदरवाइज पब्लिक नहीं जा सकती, उसके अंदर अलाउड नहीं होते। और ये है अपना इंडिया गेट के जस्ट सामने वाला हिस्सा, जिसमें राष्ट्रपति भवन आपको दिख रहा है यहाँ पे सामने, ये गाड़ियाँ सारी आ रही हैं जा रही हैं। और यहाँ ये आप देख सकते हैं लोगों को बैठे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, लोग आए हुए हैं काफ़ी दूर दूर से आए हैं घूमने। और आगे ये है, ये आपको फॉरेनर्स हैं यहाँ पे खड़े हैं, जो कि एक इनके पास गाइड है और इनको इन्फॉर्म कर रहा है। और ये आपको बता दें रशिया से आए हैं, इनसे मिले हम, बात किए और अच्छा लगा। काफ़ी अच्छे होते हैं फॉरेनर्स भी, अब कई बार इनके पास गाइड नहीं होते जैसे, तो वो किसी से कुछ जानकारी लेनी होती है तो लेते हैं, पूछते हैं। और मुझे जहाँ तक लगता है कि इंडिया गेट में अगर फॉरेन कहीं सबसे ज़्यादा आते हैं तो दिल्ली में ही आते हैं। यहाँ पे आपको मैं सराउंडिंग दिखा देता हूँ, ये आपका संसद भवन जो हमारे नोट पे छपा होता है, और उधर फिर राष्ट्रपति भवन, और इससे आप जो गाड़ी सीधी जा रही है इसे लेफ्ट साइड पे जाएंगे सीधा तो आपको मिलेगा कृषि भवन और विज्ञान भवन, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बिल्डिंगें हैं और देख सकते हैं आप। और ये जो न्यूज़ चैनल की हमारी गाड़ी दिख रही है इंडिया टीवी की, यहाँ पे न्यूज़ चैनल्स के खेमे लगे ही रहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर के जो एंकर होते हैं इनकी न्यूज़ चैनल्स वालों की यहीं पर होती है, संसद भवन के सामने ही। मैं कई बार लाइव में देखा होगा यहाँ पे जो दिखा रहे होते हैं कोई चीज़ हो। अभी हम जा रहे हैं कनॉट प्लेस की तरफ वापस, और ये है आपका कनॉट प्लेस और इंडिया गेट के बीच में पड़ता है हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू लगी हुई है। और ये शाम के टाइम में फवारा वाटर फाउंटेन चालू होता है, और यहाँ पे आप बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे बैठ के, और बहुत अच्छा लगता है ये जो हम बैठे हैं यहाँ पे, सर्कल है, ये सर्कल है, बट ये यहाँ आपको बैठ के नहीं लगेगा आपको कि सर्कल में बैठे हो, एक गार्डन टाइप का बनाया हुआ है, बहुत अच्छा लगता है। गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ जा रही हैं बट आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत अच्छा लगता है यहाँ। और एक कलर चेंज होते रहते हैं, और जिन तस्वीरों की बात मैं कर रहा था कि आपको मैं अभी तस्वीरें जो है दिखाता हूँ, वो कुछ पिक्चर्स यहाँ हैं इस तरह से, आप इसको भी देख सकते हैं एनिमेशंस, नॉर्मली ऐसे ही लगा दिया है, ये आप देख सकते हैं, ये रोड के साइड का ही है पिक्चर। ये रंग बिरंगे जो फूल दिख रहे हैं आपको, ये एकदम से नेचुरल फूल है, इसको अगर आपको देखना हो तो आप आ सकते हैं इधर, विजिट कर सकते हैं। पीपल हु केम इन इंडिया टू विजिट एज केम इन इंडिया एज टूरिस्टर हु मस्ट विजिट इंडिया गेट इन दिल्ली। और आप ये देख रहे हैं फ्लावर हैं, ये काफ़ी सुंदर, मुझे तो सुंदर लगते हैं, अब आपको लगते हैं कि नहीं लगते हैं वो आप डिसाइड कर सकते हो, उसको डिसीजन आपका है। ये मैंने खुद क्लिक किया है अपने ही कैमरे से, और ऐसा आप क्लिक कर सकते हैं, बहुत अच्छी है यहाँ पे, किसी प्रकार का कोई रोक नहीं है यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करने का, ना ही कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ना कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है, आप क्लिक कर सकते हो। अभी हम दिखा रहे हैं आपको ये पिक्चर्स, और अभी तक यहाँ बने रहे आप हमारे साथ, इसके लिए आपका धन्यवाद है। और हम कोशिश करेंगे कि और नई वीडियो जल्दी ही डालें, और एक किसी और एक नई जगह के लोकेलिटी का आपको वास्तविक दृश्य जो है आपको हम दिखा सकें, क्योंकि ये जो एडिटिंग करके दिखाते हैं इसमें बिलीव नहीं करना चाहिए हमें, और करना क्या चाहिए मतलब
रॉ वीडियोज़ होती हैं ज़्यादा अच्छी होती है, हमें ग्राउंड लेवल का ज़ीरो रिपोर्ट जो होता है, ज़ीरो लेवल का, वो हमें मिलता है यहाँ पे एक्चुअली कैसा दिखता है, क्योंकि तस्वीरों में फिल्मों में हम कुछ और देखते हैं, रियल में कुछ और होता है, वो मज़ा नहीं आता फिर। जैसे कि आपको एक गेट का मैं फ़ोटो दिखा रहा हूँ, एडिट कर दिया मैंने, इसके लाइट बढ़ा दिया है, पर एक्चुअल में था क्या कि धुंध थी वहाँ पर, सही से दिख भी नहीं रहा था। तो अब इस तरह से जो है रियल जो चीज़ें होती हैं उसकी अलग वो होती है, बहुत अच्छी लगती है वो। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फ्लैग भी एडिट किया हुआ, मैंने लाइट बढ़ा दिया है, और एक पक्षी है इसको कौवा बोलते हैं, उड़ते हुए इसका क्लिक किया है हमने पिक्चर, इसको मोशन क्लिक बोलते हैं, और किसी भी लिविंग ऑब्जेक्ट को क्लिक करने के लिए ऐसा क्लिक करना पड़ता है, ताकि इसके अगर विंग्स हैं, विंग्स क्लियर आएँ, या फिर कोई रनिंग कर रहा है, रन मतलब कोई दौड़ता हुआ जा रहा हो, तो भी उसके पिक्चर क्लिक कर सकते हैं आप। और फोटोग्राफी से रिलेटेड आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, DSLR से करना है, फ़ोन से करना है, हैंडी कैम, एनीथिंग एल्स, वॉट एवर डिवाइस यू हैव, आई थिंक आई कैन सपोर्ट यू वॉट एवर इफ आई कैन। और ये अभी हम दिखा रहे हैं आपको ये तस्वीरें, आप यहाँ पे आपको अगर फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी के मकसद से है ना आना है, तो आप आएँ मार्च या अप्रैल में, मार्च में ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसी के साथ धन्यवाद आपको।